एक बजने को आया। राजीव पुत्र। जी मामी जी। वीना सो रही है ना? जी। और गुड़िया? दोनों ही सो गए मामी जी। एक काम कर, रसोई में जा और जल्दी से हलवा बना दे और वीना को लंच भी करा दे, उसे गुड़िया को फीड भी तो करना है। हा? जी मामी जी। और हाँ राजीव पुत्र, हलवा जरा देसी घी में बनाना। हा? जी। मम्मा हलवा बना रहे? हाँ? मम्मा हलवा तो आपके हाथों का बनना चाहिए, आपके हाथों के बनाए हुए हलवे का तो जवाब ही नहीं। मम्मा आपको याद है बचपन में जब भी आप हलवा बनाती थी तो मैं और वीना दी कैसे चट कर जाते थे, और भाई और ज्योति दी का तो कुछ मिलता ही नहीं था। सही, बिल्कुल सही मम्मा। जीत एकदम सही कह रहा है, जैसा हलवा आप बनाती है ना वैसा मैंने कहीं नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। पापा जी आपने खाया? ओ, तरम नाल पुत्र, तरम नाल भाई, कमाल है। हलवा हो तो तुम्हारे हाथ का, ओए दुर्गा के हाथ के बने हलवे का जवाब नहीं। अजीत पुत्र ये जो हलवा होता ना ये बनाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ अच्छा, सच? ओए सच मुच। मामा प्लीज मामा हलवा बनाओ ना मामा। राजीव पुत्र आप ही ना। राजीव पुत्र एक काम कर, तू रहने दे, हलवा मैं बनाती हूँ। ऐसे क्या देख रही है, कहा ना हलवा मैं बना दूंगी। हाँ तू जाके पढ़, पढ़ाई भी तो करनी है ना तुझे। हाँ अभी आई मैं। So nice of you, दुर्गा जी। दुर्गा जी उसमें ना थोड़े से बादाम जरूर डालना। जरूर। राजीव पुत्र तुम यहां खड़े होके क्या कर रहे हो? तुम्हें पढ़ने की इजाजत मिल गई है, जाओ जाके पढ़ो। हाँ जी पापा जी। पापा जी तुसी ग्रेट हो। देता नहीं।